What's up guys, welcome back to my channel. तो last video के comment section में जीता है हमारा finally एक बंदा, लगातार 5-7 वीडियो से कमेंट कर रहा था, उसमें सबसे ज्यादा लाइक मिल नहीं रहे थे, बट फाइनली सबसे ज्यादा लाइक आए हैं उसके ही कमेंट पे, जो कि मैं खुद भी चाहता था कि इस वीडियो को बनाऊं, क्योंकि मैं खुद यही कोर्स कर रहा हूं। तो बीबीए बीएमएस वालों, आपके लिए प्रेफरेंस शीट आ गई। जो भी लोग चैनल पर नए और नहीं जानते हैं इस बारे में, तो हमारी सीरीज चल रही है जिसकी एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारे ही कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस शीट उसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अगली वीडियो अगर आपको कौन से कोर्स पे चाहिए, किसकी प्रेफरेंस शीट आपको चाहिए जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी नहीं है, उसके लिए आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। जिसके भी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसके लिए अगली वीडियो बनके आ जाएगी। ओके गाइस, तो अगर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, बिकॉज बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहां पर मिलेगी। सीएसएस फेज 2 भरना भी सिखाऊंगा, प्रेफरेंस बनाना भी सिखा रहा हूं ऑलरेडी, इंटरमिक्सिंग एंड ऑल सब कुछ, हर एक चीज यहां से लेकर आपके एडमिशन तक। उसके बाद अगर नहीं पसंद आता विड्रॉ करते हो, रिफंड तक, एंड तक मैं आपके साथ रहूंगा। काउंसलिंग पूरी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड वाली भी आप ले सकते हो, उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा। बट आप चाहो तो फ्री काउंसलिंग यहां पर आपको पूरी ही मिलती रहेगी। हाँ, वन टू वन अगर आपको बात करनी तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हो, आपको पेड प्रेफरेंस शीट भी मिल जाएगी और पेड काउंसलिंग भी मिल सकती है। पेड प्रेफरेंस शीट के लिए आपको सिर्फ यही टेक्स्ट करना है, प्रेफरेंस शीट पेड, या फिर आप काउंसलिंग पेड करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी एवरीथिंग इज फ्री है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, सब फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करो। आज बात करते हैं बीबीए बीएमएस की प्रेफरेंस शीट के बारे में, जो कि कुछ इस तरह की है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यार इतना बेहतरीन मैनेजमेंट का कोर्स है और उसके लिए कुछ खास कॉलेजेस है नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक तो इंडिया का नंबर, इंडिया का एशिया रैंकर है, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये बाप कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज की, नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज की बस की नहीं है कोई इससे बेटर प्लेसमेंट दिलवा दे। ट्रस्ट मी गाइज, एसआरसीसी तक इससे बेटर आपको प्लेसमेंट नहीं दिलाएगा। ये मैं बिल्कुल फैक्ट से बेस पे बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वही बात है कि ये किस में दिलाता है, ये भी एकदम वही ना स्पेसिफिक चीज है कि ये आपको वो बेहतरीन प्लेसमेंट दिलवाएगा बीबीए में, बीएमएस में। हाँ, ये बीकॉम ऑनर्स वगैरह एसआरसीसी की तरह प्रोमिनेंट नहीं है, तो या कोर्सेज कम करा रहा है, बट मैंने क्या बोला, प्लेसमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा यही दिलाता है। प्लस ये इंडिया रैंकर नहीं है, ये एशिया रैंकर है, पूरे एशिया में ऐसे कॉलेजेस नहीं है, एशिया में बहुत अच्छी कोई थर्ड या फोर्थ रैंक होल्ड करता है मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए। तो अगर आपको ये मिल जाता है, आपकी लाइफ सेट है, लिखवा लो ये बात कहीं पे कि अगर ये मिल गया लाइफ सेट है, फिर हो सकता है आधे का 90% बच्चे फिर पीजी करते ही नहीं है, यूजी करते हैं, जॉब लगती सेटल हो जाते हैं, पीजी अपना ऑनलाइन से करते हैं, प्रमोशन ले लेते हैं, पूरा लाइफ सेट होता है। इसके लिए मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप ये सब कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है शहीद सुखदेव कॉलेज, यहां से आपको सबसे ऊपर रखना है बीबीए का। बीबीए और बीएमएस का मैं मिक्स प्रेफरेंस बना रहा हूं, क्यों मिक्स क्यों बना रहे हो, बिकॉज बीबीए पूरे यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज रहता है, वो यही है शहीद सुखदेव, और एक और रहता है वो गर्ल्स कॉलेज है शहीद राजगुरु, जो कि कुछ खास कॉलेज है नहीं। तो इसलिए मैंने बीबीए बीएमएस का मिक्स कर दिया, वरना दो कॉलेज के लिए क्या प्रेफरेंस शीट देता। तो आप सुन लो कैसे आपको डालना है, बीबीए बीएमएस की मिक्स बनानी है, ऐसे बनाओगे, सबसे ऊपर रखोगे शहीद सुखदेव का बीबीए, फिर शहीद सुखदेव का बीएमएस, दोनों सबसे ऊपर टॉप पे रहेंगे, ठीक है, बीबीए बीएमएस दोनों डाल दोगे। फिर आपको दीनदयाल उपाध्याय डालना है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। अब ध्यान देखो बच्चों, शहीद सुखदेव एक ऑफ कैंपस का कॉलेज है, ऑफ कैंपस का, लेकिन नॉर्थ कैंपस में किसी की हिम्मत नहीं इसको टक्कर दे सके, एशिया रैंकर है। नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज एशिया रैंकर नहीं है, सब दिल्ली रैंकर्स हैं, सॉरी इंडिया रैंकर्स भी हैं, कुछ एसआरसीसी वगैरह इंडिया रैंकर्स है। फिर आपका दीनदयाल उपाध्याय, फिर आपका थर्ड पे आएगा एसजीजीएससीसी, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इट इज अ वेरी गुड कॉलेज, ये भी ऑफ कैंपस कॉलेज है, लेकिन इसे किंग ऑफ ऑफ कैंपस भी कहते हैं। बिकॉज किंग इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे कोर्सेज भी कराता है और प्लेसमेंट भी इसकी बहुत अच्छी है। शहीद सुखदेव सबसे अच्छी प्लेसमेंट देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोर्सेज नहीं कराता, कम कोर्सेज कराता है, इसलिए वो किंग नहीं है, किंग एक्चुअली में ये है, बट द बेस्ट कॉलेज फॉर मैनेजमेंट इज शहीद सुखदेव ओनली, मैं खुद फैन हूं उसका। नेक्स्ट है आपका केशव महाविद्यालय, फिर आपका कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, ये ऊपर के जो पांच कॉलेजेस हैं भैया, ये जो छह कॉलेजेस बताए मैंने, पांच छह प्रेफरेंस बताई, ये बेस्ट है। अगर आप इसमें चले जाते हो आपकी लाइफ एक्चुअली में सेटल हो जाएगी बच्चों। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का जो बात बोलते हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, ड्यू चले जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी, वो इनके लिए कहते हैं, ये एक्चुअली में लाइफ सेट करेंगे। इसके बाद जो है वो एवरेज कॉलेजेस हैं, ये नॉर्मल ही है। इसके बाद आर्यभट्टा, रामलाल आनंद, रामानुजन और शहीद राजगुरु, इसकी मैंने बात करी थी, ये बीबीए का है, इसको एंड में रखना, सिर्फ एक तो ओनली गर्ल्स कॉलेज। अगर आप लड़की हो, आपको बीबीए ही करना है, तो शहीद सुखदेव ना मिले तो शहीद राजगुरु चले जाना, बट उससे बेटर है, उससे लाख गुना बेटर है बच्चों कि आप लोग बीएमएस कर लीजिए दीनदयाल उपाध्याय से या फिर श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से, यहां से बीबीए करने की जगह, ठीक है। तो ये बहुत ही रिसर्च करके प्रेफरेंस शीट बनाई है मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ था नहीं इसमें करने के लिए, इतनी ही चीजें थी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बाकी अगली किस वीडियो पे, अगली वीडियो में कौन सी प्रेफरेंस शीट के लिए आपको चाहिए, तो उसके लिए जरूर कमेंट करना, और जिसकी भी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसे अगली प्रेफरेंस शीट मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन जाकर पूरा चेक कर लो, पूरी सीरीज मैंने डाल दी है, उस सीरीज में आपको कोर्स वाइज प्रेफरेंस शीट भी मिल जाएगी, प्लस आपको लिस्ट ऑफ कॉलेज के लिंक भी मैंने डाल दिया कि कौन सा कॉलेज नॉर्थ में आता है, कौन सा साउथ में, कौन सा ऑफ में, उसके लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। और प्रेफरेंस शीट बनाने का तरीका क्या होता है, उसका एल्गोरिथम किस तरह से चलता है, किस तरह से वो वर्क करता है, कैसे आपको उसे समझना है, वो सभी मैंने लिंक सारे पिन कर दिए कमेंट बॉक्स में, लिंक्स को जरूर ध्यान से देखा करो, वो सब आपके लिए ही है, ऐसा नहीं कि कोई मैंने मार्केटिंग के लिए फालतू में लगा रखा है, सब वीडियोज ही है, वीडियोज के लिंक है, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ओके, मिलते हैं आने वाले किसी अपडेट में, कोई अच्छी अपडेट अगर आती है एनटीए की तरफ से, कोई अच्छी अगर अपडेट आती है तो वो भी ले आऊंगा, नहीं तो मैं तो आपके लिए प्रेफरेंस शीट्स के मेथोडोलॉजीज लाता ही रहूंगा। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, जब भी आ जाए।